गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी जो आप देख पा रहे हो क्लास 10th के एरिया ऑफ सेक्टर से प्यारा क्वेश्चन है और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कंप्लीट सॉल्यूशन कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। बस कंडीशन है कि हमारे साथ बने रहेगा, कहने का सेंस है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर हर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों भी शेयर करेंगे और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। जरा गौर फरमाइए, इन द गिवन फिगर, यानी कि फिगर यहां पे राइट, अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल सेंटर ओ कंटेनिंग एन एंगल थीटा प्रूव दैट एरिया ऑफ द शेडेड इज एन इक्वल। ये आप देख पा रहे हो सर्कल सेंटर ओ है, रेडियस यहां पर आप देख पा रहे हो रेडियस आर है, तो बेशक हमारा ओसी भी क्या होगा, आर ही होगा। हाँ या ना, क्योंकि ये भी तो रेडियस है। क्लियर बात है? चलिए अब जरा एक बात मुझे बताओ, हमें प्रूफ करना है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आप खुद देखिए कि शेडेड रीजन कहां है, यही ना शेडेड, इसी पार्ट में, यही पार्ट में शेडेड रीजन आपका। तो इस पार्ट का एरिया हमें फाइंड करना है, तो जरा सोचिए कि इस पार्ट का एरिया मालूम करने के लिए हमें क्या क्या सोचना होगा। तो आप कहोगे सर ऐसा करो, ये जो शेडेड रीजन जो देख पा रहे हो इसका एरिया मालूम करने के लिए आप क्या करो कि एक ट्रायंगल जो बन रहा है ओ ए बी, इस ट्रायंगल ओ ए बी के एरिया से अगर हम सेक्टर का एरिया माइनस कर देते हैं, मतलब कौन सा सेक्टर, ओ ए सी, देख पा रहे हैं ना। तो इस सेक्टर का एरिया अगर हम माइनस कर देते हैं किससे, ट्रायंगल ओ ए बी से, तो अब कहोगे सर ट्रायंगल ओ ए बी कौन सा ट्रायंगल होगा, अगर ट्रायंगल होगा तो उसका एरिया निकालना है तभी तो घटाना है, लेकिन कैसे सर एरिया निकालेंगे, क्या राइट एंगल ट्रायंगल है या क्या तीनों साइड दे रहा है ताकि हम यूनिवर्स फॉर्मूला अप्लाई करें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, शायद आप कभी बचपन में पढ़े होइएगा कि कोई सर्कल है और ये टेंजेंट लाइन है और इस, तो इस पर रेडियस क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। द रेडियस ऑन टेंजेंट लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो खुद सोच सकते हो कि यहां पे क्या होगा, राइट एंगल होगा। हाँ या ना, तो मेरे को तो चाहिए क्या, शेडेड रीजन का एरिया। तो हम यहां पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, यहां लिखे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ क्या, सेक्टर ओ ए सी। बातें समझ में आई या नहीं, तो ट्रायंगल के एरिया में से सेक्टर का एरिया क्या करना होगा, माइनस करना होगा। अब जरा सोचिए कि ट्रायंगल का एरिया यहां पर जो देख पा रहे हो तो ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे कैसे, आप खुद से देख सकते हो कि यहां पे राइट एंगल है, इसका ये मतलब होता है कि ओ ए बी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, और जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो बेशक आप समझते हो कि उसका एरिया जो हम लोग फाइंड करते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ या ना, तो खुद सोच सकते हैं, इसके बदले में लिख सकते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस हो जाएगा हमारा ओ ए और हाइट क्या हो जाएगा ए बी माइनस, फिर यहां पर देखिए क्या है, सेक्टर का एरिया। तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, आप खुद जानते हो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 राइट ना। तो यहां पे क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर, रेडियस आर स्क्वायर, थीटा भी हमारा यहां पे थीटा है, बाय क्या लिखेंगे 360। उम्मीद है यहां तक बातें समझ में आई होगी। यहां पर मैंने कुछ नहीं किया, इस फिगर को देखा हमने, मेरे को शेडेड रीजन का एरिया चाहिए, तो हमने क्या सोचा कि ट्रायंगल का एरिया में से सेक्टर के एरिया को माइनस कर देते हैं। अब कहोगे ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बचपन में पढ़े थे हीरोज फॉर्मूला भी, या 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट तब अप्लाई करते हैं जब किसी ट्रायंगल में एक एंगल राइट एंगल होता है। तो आप बेशक देख सकते हो एक एंगल राइट एंगल है, और ये राइट एंगल कैसे हमने माना, क्योंकि बचपन में पढ़े थे कि कोई भी सर्कल हो और टेंजेंट लाइन हो तो हमेशा टेंजेंट लाइन पर रेडियस परपेंडिकुलर होता है। सारी बातें समझ में आ रही है ना, चलिए आगे वो पढ़ते हैं। तो अब क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू ओ ए, तो ओ ए क्या है खुद देखिए आर, इंटू ए बी क्या है, ए बी कहीं पर मालूम है, नहीं मालूम है, तो रहने दीजिए, माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। यहां बातें समझ में आई या नहीं आई,
आई ना, अब जरा सोचना है कि हमें तो चाहिए आर स्क्वायर बाई टू इंटू टेन थीटा माइनस पाई थीटा बाई 180। लेकिन जरा सोचिए कि पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 कुछ ऐसा रिलेशन तो आएगा, आर भी है तो आर भी रिलेशन आ जाएगा। लेकिन यहां पर हम जो देख पा रहे हैं, यहां पे हमें एक एक्स्ट्रा टर्म है और वो एक्स्ट्रा टर्म कौन सा है, ए बी है। खुद देखिए ना, यहां पे एक्स्ट्रा टर्म कौन सा है, ए बी है। और जरा सोचिए कि हमें जो प्रूफ करना है इसमें कहीं पर ए बी है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं है। तो अब हमें सोचना है कि इस ए बी को इस ए बी को एलिमिनेट करने के लिए क्या सोचना होगा। और एक और बात देखो, इसमें टेन थीटा है, क्या अभी जो हमें फिलहाल रिलेशन आया टेन आया, नहीं आया। मतलब पता क्या चला कि इस ए बी को हमें टेन के रेस्पेक्ट में चेंज करना है, टेन के टर्म में चेंज करना है। तो आप बताओ मुझे, मैं यहां पर पार्टीशन देकर लिख देता हूं, इन ट्रैंगल ओ ए बी, इन ट्रैंगल ओ ए बी, क्या अगर मैं यहां पे टेन थीटा अप्लाई करता हूं, तो आप बचपन से जानते आ रहे हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, राइट। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक, मतलब साइन थीटा इक्वल पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल पी बाई बी, मतलब टेन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। अब मसला यह है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम परपेंडिकुलर कैसे मानते, किसको मानते। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो एंगल दिखे ट्रायंगल में, मतलब जो थीटा हम मान रहे हैं, उसके ठीक सामने वाला जो साइड होगा उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। मतलब जिस एंगल की बात हो उसका ठीक अपोजिट साइड जो होता है परपेंडिकुलर कहलाता है। तो आप मुझे बताओ टेन थीटा इक्वल क्या लिखेंगे, P मतलब ए बी बाय बेस मतलब क्या ओ ए, हाँ या ना, बिल्कुल। अब बताओ मुझे आप जरा, तो इसको लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल ए बी, नहीं मालूम है रहने दीजिए, ओ ए हमें आर है, तो यहां से हम ए बी अगर फाइंड कर देते हैं तो क्या दिक्कत है, ए बी इक्वल क्या आया आर टेन थीटा, दिख रहा होगा सारी बातें। चलिए ए बी आर टेन थीटा आ गया, और हमने अभी क्या कहा है कि ए बी को टेन के टर्म में चेंज करना है। तो अब जरा मुझे बताओ आप, वन बाई टू इंटू आर इंटू ए बी के बदले में क्या ले सकते हैं, आर टेन थीटा माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। यहां तक तो दिख रहा होगा उम्मीद है, बातें समझ में आई इतना। अब इसके बाद हमें सोचते रहना है कि हमें चाहिए क्या। अगर ये बात अगर आप समझ चाहते हो सॉल्व करने के दौरान कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, तब कहानी आसान होगा। खुद सोचिए ना कि यहां पर ए बी आ गया था, तो हमने ए बी को टेन के टर्म में क्यों चेंज किया, ये सोचिए। ए बी को हमने यहां पर टेन के टर्म में क्यों चेंज किया, तो आप कहोगे, आप ऐसे सोचोगे कि सर हमें जो प्रूफ करना है इसमें ए बी नहीं चाहिए था, और ए बी के टर्म में क्या चाहिए था, टेन थीटा चाहिए था। सो हमने इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई किया, यहां से टेन थीटा निकाल दिए पी बाई पी, और इस तरीके से ए बी का रिलेशन आ गया हमारा क्या, टेन के टर्म में आर टेन थीटा। बातें समझ में आ रही है ना। और जब ए बी के बदले में आर टेन थीटा आ गया, तो अब तो हमारा कहानी बहुत ही आसान हो गया। तो मैं यहां पर क्या ऐसा नहीं सकता हूं, आर इंटू आर आर स्क्वायर टेन थीटा बाई टू माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। यहां बातें समझ में आई। अब हमें कॉमन क्या चाहिए, देखिए यहां पे आर स्क्वायर बाई टू है, तो आर स्क्वायर बाई टू लाने के लिए क्या यहां से हम आर स्क्वायर बाई टू कॉमन ले सकते हैं, बेशक ले सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, हमें जो प्रूफ करना है उस पे आपका तवज्जो होना चाहिए, मतलब उस पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो हमें यहां आर स्क्वायर बाई टू चाहिए, और यहां पे आप खुद देखिए, जहां पर आप रिलेशन तक पहुंचे हो वहां पे क्या हम आर स्क्वायर बाई टू कॉमन ले सकते हैं, आप कहोगे बेशक सर क्यों नहीं। तो आर स्क्वायर बाई टू आप जब हम कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, खुद देखिए टेन थीटा या टेन थीटा बच जाएगा माइनस आर स्क्वायर कॉमन ले लेते क्या बच गया पाई थीटा, और 360 है यहां हमने बाय टू ले लिया, तो बेशक हम क्या ले सकते हैं 180 डिग्री, हाँ या ना। और खुद देखिए हमें चाहिए थे क्या, आर स्क्वायर बाय टू, आर स्क्वायर बाय टू, टेन थीटा
tan theta minus minus pi theta by 180 degree. तो ओवरऑल हमें पता चला क्या, एक रिएक्शन आया r square by 2 tan theta minus pi theta by 180 degree. और इस तरीके से हमें प्रूफ आ गया. उम्मीद है बातें समझ में. देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को देखते तो पहले ही घबरा जाते कि भाई ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करें. लेकिन देख सकते हैं कितना शॉर्ट में, कितना आसान कॉन्सेप्ट में मैंने इस क्वेश्चन का आपके सामने सॉल्यूशन को पेश किया. उम्मीद करता हूं बातें समझ में आई होगी. अगर आप एक बार इस वीडियो को सही से देख लोगे शुरू से एंड तक तो आप कहोगे सर बिल्कुल कभी भी नहीं भूलेंगे, ये तो गारंटी है. बसरते के इत्मीनान से थोड़ा सा पेशेंस रखिए और वीडियो को पूरा देखिए. अब फिर उसके बाद अगर नहीं समझ में आया तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए कि बिल्कुल सर हमें नहीं समझ में आया, तब मैं मानूंगा, तब मैं समझूंगा कि हाँ आपको नहीं समझ में आया. लेकिन एक बार देखिए और तब आप ये कंक्लूजन निकालिएगा कि यस यहां से भी कुछ सीखा जा सकता है. तो खैर चलिए मैंने बताया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन. उम्मीद है समझ में आई होगी. अगर समझ में आई तो दिल से लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करें और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करते ही जाएं ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे. तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए एनर्जी के साथ. तब तक के लिए बाय बाय. जय हिंद जय भारत.